हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर शाहिद द गेम ऑफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एलेक्स लग्जरी मेंशन इंस्टॉल करने वाले हैं अपने GTA 5 गेम के अंदर। फ्रेंड्स, ये जो मेंशन है बहुत ही तगड़ा मेंशन है। पहले इसे जो है हम लोग बाहर से थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद में अंदर से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार भी मैंने यहाँ पे पार्क करके रखी हुई है। इस कार का इंस्टॉलेशन भी आज हम अपने वीडियो के अंदर देखने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। फ्रेंड्स, इस मेंशन को लेकर हम लोग कैसे स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। अब चलते हैं मेंशन के अंदर, जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मेंशन को अंदर से। अब मैं अंदर की तरफ आया हूँ, राइट साइड में मुझे एक डोर दिख रहा है। यहाँ पे हमें जो है वो बेडरूम मिल जाता है, तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोरी के अंदर। बाहर निकल रहा हूं मैं, यहाँ पे राइट साइड में एक डोर मिल जा रहा है, पर ये जो डोर है हमें मेंशन के बाहर लेके चले जाएगा, तो ये डोर का कुछ अभी काम नहीं है। अभी हम लोग जो है वो अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो अभी हम अंदर की ही बात करेंगे सिर्फ। यहाँ पर हमें शावर मिल जाता है, मतलब यहाँ पे बाथरूम में हम लोग यहाँ पे शावर वगैरह दिखा सकते हैं कि फ्रैंकलिन ट्रेवर जो है साथ में नहीं, अलग अलग जो है वो शावर ले रहे हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। लेफ्ट साइड में हमें किचन एरिया मिल जाता है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपने स्टोरी के अंदर। यहाँ पर हमें एक मीटिंग रूम मिल जाता है, टीवी मिल जाती है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरी के अंदर। सामने की तरफ एक डोर मिल रहा है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक थिएटर मिल गई है, होम थिएटर, छोटा सा थिएटर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अपने वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप बाहर की तरफ चलते हैं और कार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और बता देता हूँ कि इस मेंशन को जो है हम लोग कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं अपने स्टोरी के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कार देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक कार है। इस कार का नाम है कैलिबन, ऐसे कुछ नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कैलिबन शायद से नाम है इस कार का। इसका भी इंस्टॉलेशन हम लोग देखने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ जो ये मेंशन है इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी स्टोरी के अंदर। जैसे कि आप स्टोरी बना रहे हो कि हम लोग जो है वो एक मेंशन तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, मतलब कि अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन कैसे दिखाना है। जैसे कि अभी मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि मैं एक मेंशन जो है वो तैयार कर रहा हूँ, पर उसका जो रूफ का काम है वो चल रहा है, मतलब रूफ की काम जो है वो चल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके डिलीट कर दूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके डिलीट, इस पर राइट क्लिक, यहाँ पर जाके डिलीट, इस पे राइट क्लिक, यहाँ पर जाके डिलीट, यहाँ पर राइट क्लिक डिलीट, मतलब जो भी एरिया का हम दिखाना चाहते हैं कि इस एरिया पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे जाके हमें जो है वो डिलीट कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रूफ है यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब मैं इस पे भी राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितना भी डिलीट करते जाओगे वो एरिया जो है वो जो पार्ट रहेगा मेंशन का वो डिलीट होता चला जाएगा। और फिर आप अपने व्यूअर्स को अपने स्टोरी के अंदर बता सकते हो कि ये जो मेंशन है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके ऊपर जो है वो वर्क चल रहा है। और आप यहाँ पर वर्कर वगैरह दिखाना चाहते हो कि वर्कर जो है वो ड्रिलिंग कर रहा है या फिर हैमरिंग कर रहा है, तो वो सब भी मैंने वीडियो बनाया है, पूरा का पूरा मेन्यू सीरीज बना चुका हूं मैं। मेन्यू की सीरीज देख लोगे आप तो आप ये सब बहुत ईजी तरीके से कर लोगे, यहाँ तक है आप जो है ऐसा मेंशन खुद क्रिएट कर सकते हो वो मेन्यू सीरीज देखने के बाद में। यहाँ पे राइट क्लिक करना है सिर्फ, यहाँ पे जाके डिलीट कर देना है, वो एरिया डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में बताना है कि ये जो एरिया है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और ये जो पानी वगैरह है इसे भी खाली कर सकते हैं हम लोग। कैसे खाली करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस कार इंस्टॉलेशन की तरफ और इस मेंशन इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, इस मेंशन का इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो आपके गेम के अंदर ये जो मेंशन है ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा। अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो ग्लिच करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाएगा ही दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल। सब्सक्राइब करने का एकदम फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार अगर न्यू हो, मेरे को पहली बार देख रहा हो, और एक बार चैनल चेक कर लेना अगर न्यू हो चैनल पे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, उस कार को और उस मेंशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए हमें किसी ब्राउजर पे जाना है, GTA5mods.com की वेबसाइट पे जाना है, और ये रही वो कार और ये रहा वो मेंशन। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फाइल के जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं हमारे इंस्टॉलेशन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, और मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि ज़िप फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। एक्स्ट्रा करने के लिए मैं WinRAR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। फ्रेंड्स, राइट साइड में मेरा ओपन है भी है, लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एलेक्स लग्जरी मेंशन जो है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। एलेक्स लग्जरी मेंशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको मैप बिल्डर की जरूरत होगी। मैप बिल्डर आपको इंस्टॉल करना होगा। बिना मैप बिल्डर इंस्टॉल किए हुए आप कोई भी मेंशन को इंस्टॉल करोगे वो जो मेंशन रहेगा वो ठीक तरीके से वर्क नहीं करेगा, वहां पे ग्लिच आना ही आना है बिना मैप बिल्डर के इंस्टॉल किए हुए। तो मैप बिल्डर जो है वो आपको कंपलसरी इंस्टॉल करना ही है।
मैं बिल्डर इंस्टॉल करने के बाद में एलेक्स लग्जरी मेंशन को इंस्टॉल करने वाले हैं हम लोग। तो मैं ओपन आईवी, ये है मेरा ओपन आईवी को जो है एडिट मोड को ऑन कर दूंगा मैं। एडिट मोड को ऑन करने के बाद में लग्जरी मेंशन को मैं ओपन किया। यहाँ पे हमें वाई मैप से भी हम लोग जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पर हम लोग वाई मैप से इंस्टॉल नहीं कर रहे, सिंपल तरीके से इंस्टॉल करने वाले आज हम लोग इस मेंशन को। तो सबसे पहले ये जो फोल्डर है इसके अंदर डीएलसी फाइल है, तो मतलब कि ये जो डीएलसी फाइल है इसके अंदर, तो ये डीएलसी पैक के अंदर जो है हमें कॉपी ड्रैग करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे ओपन आईवी में मैं मोड पे जाऊंगा, अपडेट 64 डीएलसी पैक। डीएलसी पैक में जाने के बाद में ये जो फोल्डर है यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद में मैंने पहले से ड्रैग किया हुआ था, इस वजह से ये जो फोल्डर है यहाँ पर मुझे दिखा। अगर आप ड्रैग करोगे तो ये सबसे नीचे लास्ट में फोल्डर में आएगा, इधर पे आएगा ये फोल्डर। ये जो फोल्डर है यहाँ पर लास्ट में आएगा। मैंने पहले से ड्रैग किया हुआ था, मैं दोबारा से ड्रैग कर दिया। अब मैं दोबारा से मोड्स पे गया, अपडेट पे जाना है मुझे, अपडेट आरपीएफ कॉमन डेटा। यहाँ पे हमें एक लाइन मिल जाएगी डीएलसी लिस्ट, मतलब एक फाइल मिल जाएगी। इस पे राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, एडिट पे इसे ऑन कर रहा हूँ। एडिट पे ऑन करने के बाद में यहाँ पर मैंने एक फाइल जो है, मतलब एक लाइन जो है वो ऐड किया हुआ है। तो ये जो लाइन है हमें यहाँ से मिल जाएगी रीडमी से। तो मैं रीडमी ओपन करता हूँ, ये रही वो लाइन। इस लाइन को हम लोग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में ये जो डीएलसी लिस्ट है यहाँ पर मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ऊपर भी लाइन यहाँ पे ऐड की हुई है। तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने पहले से इसे पेस्ट किया हुआ है। अब मैं इसे सेव कर दूंगा। इसे सेव करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्विमिंग पूल की भी फाइल है। तो इसे जो है हम लोग को कॉपी पेस्ट करना होगा। ये कहाँ पर ड्रैग करना है हमें, मैं यहाँ पे मेन्यू स्टफ पे गया। मेन्यू स्टफ पे जाने के बाद में आप फोल्डर से भी, जी टी एफ फाइव मेन डायरेक्टरी से भी कर सकते हो, पर मैं अभी ओपन अभी ओपन किया हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही कर रहा हूँ। मेन्यू स्टफ पे गया, मैं स्पॉनर पे गया। स्पॉनर पे जाने के बाद में ये जो स्विमिंग पूल की फाइल है यहाँ पे मैं सिंपली ड्रैग कर दिया। अब इसका क्या काम है, स्विमिंग पूल का जो फाइल है इसका क्या काम है, मैं आपको गेम के अंदर बताऊंगा कि इस फाइल का क्या काम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो मेंशन है वो इंस्टॉल हो जाता है हमारे गेम के अंदर और वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अब ये जो मेंशन है इसकी लोकेशन कहाँ पे मिलेगी हमें, कैसे हमारे गेम के अंदर इसे जो है लोड करना है, लोड प्लेसमेंट करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको गेम के अंदर बताऊंगा। पर गेम के अंदर जाने से पहले हम लोग जो है एक कार को इंस्टॉल करेंगे जो अभी हम लोग ने डाउनलोड की है, उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं बैक करता हूं दोबारा से, मैं डाउनलोड फोल्डर पे गया दोबारा से। कैलिबन इस कार का नाम है, तो मैं दोबारा से इसे ओपन करूंगा। ये जो फोल्डर है यहाँ पे डीएलसी की फाइल है, मतलब कि ये जो फोल्डर है डीएलसी पैक में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोड्स पे गया, मैं अपडेट पे गया, 64 डीएलसी पैक। डीएलसी पैक में जाने के बाद में ये जो फोल्डर है यहाँ पे मैं सिंपली ड्रैग कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले से ड्रैग किया हुआ था तो ये दोबारा से यहाँ पे ड्रैग होके आ गया है। अब फ्रेंड्स ये फोल्डर को ड्रैग करने के बाद में हमारा सेकेंड स्टेप आता है, मैं दोबारा से मोड्स पे गया, अपडेट पे गया, अपडेट आरपीएफ पे गया, यहाँ पे मैं कॉमन पे गया, डेटा पे जाना है हमें, और डीएलसी लिस्ट को मैं राइट क्लिक करके एडिट मोड पे ऑन कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैलिबन आइटम जो है यहाँ पे लाइन जो है मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये जो कार है मैंने पहले से ही अपने गेम के अंदर इंस्टॉल करके रखा हूं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो लाइन है यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ये रही वो लाइन। यहाँ से हमें सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। पेस्ट करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ हमें सेव कर देना है। ये दो स्टार्ट करने के बाद में, मतलब कैलिबन जो है, कैलिबन जो फोल्डर है इसे डीएलसी पैक में कॉपी ड्रैग करने के बाद में, और ये जो लाइन थी ये लाइन को ऐड करने के बाद में ये कार जो है हमारे गेम के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। अब गेम के अंदर मिलते हैं और देखते हैं इस कार को स्पॉन कैसे करना है, और ये जो कार है किस कैटेगरी में आएगी, सुपर कार में आएगी या फिर मसल कार में आएगी, जो भी कैटेगरी में आएगी वहां से हम लोग इस कार को स्पॉन करेंगे, और वो जो मेंशन है वो मेंशन का लोकेशन देखेंगे, उसे लोड कैसे करना है वो सब हम जो है गेम के अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं अब गेम में। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा गेम है वो ऑन हो चुका है और मैं खुद को टेलीपोर्ट कर लिया हूँ एलएस लग्जरी मेंशन पर। अब मैं पी प्रेस करके, मतलब कि मैप ऑन करके आपको बता देता हूँ इसकी लोकेशन क्या है। इस लोकेशन पे ये जो मेंशन है आ जाता है इंस्टॉल करने के बाद में। मैं बैक करता हूं और मैं आपको बता दूं इस मेंशन को हमें लोड प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार एक बार इंस्टॉल करेंगे तो ये जो मेंशन है इसी प्लेस पे हमें मिलेगा, चाहे हम गेम को ऑफ करें या ऑन करें, कितने बार भी ऑन ऑफ करें ये जो मेंशन है इसी जगह पे मिलेगा, इसी प्लेस पर मिलेगा, इसी लोकेशन पे मिलेगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ वो जो स्विमिंग पूल की फाइल थी हम लोग ने उधर पे इंस्टॉल किए थे, स्पॉनर पे कॉपी ड्रैग किए थे,
ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे उसका क्या काम है, अब मैं आपको बता देता हूं। मैं F8 प्रेस करा, F8 प्रेस करने के बाद में मैं यहां पे ऑब्जेक्ट स्पॉनर पे जा रहा हूं, मैनेज सेव फाइल पे जा रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो स्विमिंग पूल की जो फाइल है यहां पे हमें मिल जाती है। मैं इस पे एंटर प्रेस किया, लोड प्लेसमेंट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वाटर है स्विमिंग पूल का जो पानी है पहले नहीं था, अब ये स्विमिंग पूल की जो फाइल है लोड प्लेसमेंट करने के बाद में यहाँ पर पानी आ गया। तो आपको जो ये स्विमिंग पूल है ऐसा ही चाहिए तो आपको लोड प्लेसमेंट करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये मेंशन को यूज कर सकते हैं अपने GTA 5 गेम के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो जो कार अभी हम लोग ने इंस्टॉल की है उसे कैसे स्पॉन करना है और उस कौन सी कैटेगरी में वो जो कार है यहाँ पर आएगी। अब मैं खुद को नीचे उतार देता हूँ। सबसे पहले तो मैं F9 प्रेस करके यहाँ पे जो है ड्रैग कर लेता हूँ खुद को। मैं बैक किया, F8 प्रेस किया, व्हीकल स्पॉनर सुपर में गया और ये रही कैलिबन। तो मैं इस पर एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो कार थी यहाँ पर आ गई है। और इसका कलर वगैरह चेंज करना है आपको तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है पूरा का पूरा। आपको पूरी जो भी व्हीकल्स आप कर सकते हो, जो मतलब नंबर प्लेट चेंज करना है और इसका कलर चेंज करना है, इसके साथ में वेपन अटैच करना है, वो सब आप कर सकते हो। मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है व्हीकल के ऊपर, व्हीकल ऑप्शन के ऊपर, वो वीडियो देख लेना। आप कलर वगैरह जो भी करना चाहो, कितना भी कस्टमाइज करना चाहो व्हीकल के साथ में, वो सब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसके बाद में डीएम करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय।